आपकी फ्रेंड तो यूनिवर्सिटी में थी, स्टडी कर रही, तो आप कॉलेज में कैसे आए? आप यूनिवर्सिटी कैसे नहीं? आपको क्या लगता है कि लोगों को कॉन्फेडरेशन कॉलेज का क्यों नहीं इतना आईडिया? कॉन्फेडरेशन कॉलेज को 1 to 5 पे रेटिंग क्या देते हैं अदर कॉलेजेस के कंपैरिजन में? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक स्टूडेंट के साथ जो कि थंडर बे में आए थे एज अ स्टूडेंट। आज उनसे हम जानेंगे कि यहाँ के कॉलेज के बारे में, यहाँ पे उन्होंने स्टडी करी, उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कौन से कॉलेज में वो आए थे और कैसी उनकी जर्नी रही। तो चलिए मिलते हैं उनसे। वेलकम टू द चैनल गगन। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप अपने व्यूअर्स को अपना पूरा नाम बता दीजिए और कहाँ से बिलोंग करते हैं इंडिया से वो बता दीजिए। मेरा पूरा नाम है गगनदीप कौर एंड आई एम फ्रॉम फतेहगढ़ है, पंजाब, इंडिया। आपने इंडिया में क्या स्टडी करी थी? इंडिया में आई वॉज अ टीचर एंड मैंने वहाँ पे मास्टर्स इन इंग्लिश और दैट आई डिड माय बीए। कनाडा कब मूव हुए थे? मैं यहाँ पे मूव हुई थी लास्ट ईयर, दैट वॉज 2022 इन सितंबर। थंडर बे आए तो आपने कौन सा कॉलेज चूज किया? थंडर बे में मैंने कॉन्फेडरेशन कॉलेज। आपने कॉन्फेडरेशन कॉलेज चूज किया, वो एक बिल्कुल ही अलग सी चॉइस है क्योंकि जो नॉर्मली लोग इंडिया से आते हैं, हम सुनते हैं कि वो तो टोरंटो जाते हैं, ब्रैम्पटन मूव होते हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस है वहाँ पे। थंडर बे वैसी किसी को नहीं पता, बहुत कम लोगों को पता है। तो आपने कॉन्फेडरेशन चूज किया तो मतलब कैसे पता चला कि कोई कॉन्फेडरेशन कॉलेज भी एग्जिस्ट करता थंडर बे में? एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड ऑलरेडी यहाँ पे रह रही थी, शी वाज डूइंग एमएड इन लेखड़ यूनिवर्सिटी, वो मेरी कलीग थी वहाँ पे एंड शी वाज माय गुड फ्रेंड एज वेल। तो उससे मेरी बात होती रहती थी, उसको पता था कि इसका भी प्लान है कनाडा आने का। अच्छा। तो उसने मुझे सजेस्ट किया था कि इवन दो इट्स लाइक स्मॉल टाउन काइंड ऑफ थिंग, लेकिन ये बहुत अच्छा है, you will really like this place because it's very peaceful। तो फिर उसने मुझे बताया था अबाउट कॉन्फेडरेशन कॉलेज, तो उसके बोलने पे यहाँ पे, उसके रेफरेंस से आप यहाँ पे। उससे पहले आपको नहीं पता था कि कॉन्फेडरेशन है? थंडर बे का भी नहीं पता। आपकी फ्रेंड तो यूनिवर्सिटी में थी, स्टडी कर रही, तो आप कॉलेज में कैसे आए? आप यूनिवर्सिटी कैसे नहीं? एक्चुअली उसने मुझे सजेस्ट किया था एमएड करने का, लेकिन यूनिवर्सिटी की फीस बहुत ज्यादा है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अब मैं टीचिंग प्रोफेशन से इतना बोर हो चुकी थी कि मैं आई वांटेड सम चेंज इन लाइफ। तो फिर मैंने अपने जिनपान से बात की और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप इस प्रोग्राम में जाओ जो कि मेरा प्रेजेंट प्रोग्राम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो उन्होंने बोला कि इस कोर्स में और भी अपॉर्चुनिटीज होंगी आपके पास, वो यहाँ कॉन्फेडरेशन कॉलेज में अवेलेबल था। अच्छा। और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में, तो दैट्स व्हाई फीस का काफी डिफरेंस है यूनिवर्सिटी और कॉलेज में, तो फिर इसलिए। मेरा एक सवाल आ रहा था मेरे माइंड में कि यहाँ पे कॉन्फेडरेशन कॉलेज में किसी से भी पूछता हूँ, मैं अपने फ्रेंड से भी बात करता हूँ इंडिया में, तो उनको पहली बात तो थंडर बे ही नहीं पता कि वो कहाँ पे है और कॉन्फेडरेशन तो बड़ी दूर की बात है। आपको क्या लगता है कि लोगों को कॉन्फेडरेशन कॉलेज का क्यों नहीं इतना आइडिया? मुझे लगता है कि जो वहाँ पे यूथ है बेसिकली इन पंजाब, वो सिर्फ ब्रैम्पटन टोरंटो जाना ही प्रेफर करते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रेंड। अकॉर्डिंग टू ट्रेंड उनको लगता है कि वहाँ पे जाएंगे, ऐश करेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेंगे, बड़ी बिल्डिंग्स दिखेंगी, डाउनटाउन अच्छा होगा, डाउनटाउन अच्छा होगा, गाड़ियाँ लाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, इट इज अ पीसफुल प्लेस और यू नो अबाउट यूथ, वो यहाँ पे आना इतना प्रेफर नहीं करते, तो उनको नहीं पता है, थोड़ा बोरिंग टाइप हो जाता है। तो मैच्योर लोगों के लिए अच्छा है एंड इवन फॉर द अदर्स ऑल्सो, लाइक जिनका ऐसा टेस्ट है कि उनको ज्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है, जो सेविंग करना चाहते हैं, अभी आपको इस कॉलेज में कितना टाइम हो गया है स्टडी करते हुए? मुझे लाइक एक सेमेस्टर हो गया है एंड आई एम इन माय सेकंड सेमेस्टर। तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप अपने कॉन्फेडरेशन कॉलेज को 1 to 5 पे रेटिंग क्या देते हैं अदर कॉलेजेस के कंपैरिजन में? मैं 5/5 देना चाहूंगी और उसके लिए मेरे पास रीजंस भी है, क्योंकि मेरे और भी दोस्त हैं जो अदर सिटीज इन कनाडा वो और कॉलेजेस में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे उनको और बहुत इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि फैकल्टी इज नॉट दैट सपोर्टिंग, उनके पास अगर कोई अपना डाउट है, कोई कुछ क्लियर करना है, उसके लिए उनको जो भी है अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती हैं, एक एक दो दो हफ्ता डिले के बाद लाइक अपॉइंटमेंट्स मिलती हैं। लेकिन यहाँ पे यू कैन गो एनी टाइम टू एनी प्रोफेसर एंड टॉक एंड इवन वॉक इन है, और अगर आपको कुछ और भी डाउट है, इंटरनेशनल स्टूडेंट सेंटर है, इट्स वॉक इन, तो आपको कुछ पहले प्री बुक नहीं करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हमें शिफ्ट्स भी होती हैं, काम भी करना है, पार्ट टाइम जॉब भी करना है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, इट्स नॉट पॉसिबल, तो वॉक इन इज वेरी कन्वीनियंट फॉर स्टूडेंट।
अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ पे कुछ माहौल का मैं अगर बात करूँ तो मैंने सुना है लाइक मैं कॉलेजेस के नाम नहीं लूंगी तो कुछ कॉलेजेस में वायलेंस है बट यहाँ पे वेरी नाइस लाइक पीसफुल है पढ़ने वाले बच्चे आते हैं मुझे ऐसे। तो अभी आप कॉन्फेडरेशन के बारे में व्यूअर्स को कुछ अच्छी चीजें बता दीजिए। वैसे बहुत सारी चीजें अच्छी होंगी कॉलेज की, कुछ मेन चीजें जो आपको बहुत अच्छी लगी पर्सनली वो व्यूअर्स को बता दीजिए ताकि वो भी जब आए तो वो एक्सपेक्टेशन लेके आए कि हाँ मुझे ये मिलेगा वहाँ पे जाकर। सबसे पहले तो यू कैन सी लाइक इट्स अ ह्यूज प्लेस। हम सिर्फ पार्किंग लॉट में खड़े हैं इस टाइम पे और यहाँ पे चार बिल्डिंग्स हैं इन टोटल और चारों बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी। अपार्ट फ्रॉम दैट कैफेटेरिया बहुत ही बड़ा है, हर एक बिल्डिंग का अपना कैफेटेरिया है और टिम हॉर्टन्स है कॉलेज में, वो तो सबकी जान है, आप सबको पता है। उसके बाद फैसिलिटीज की अगर मैं बात करूँ तो सिनिया बिल्डिंग है जहाँ पे ऑल टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स प्रेजेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट लाइब्रेरी है, यू कैन इशू एनी बुक एंड बहुत ही पीसफुल है। तो फिर आपको देख भी सकते हो कि इट्स वेरी पीसफुल, वेरी नाइस, पढ़ने वाला पूरा माहौल है एंड वहाँ पे इनडोर आउटडोर दोनों जिम भी। तो फिर जो बच्चे जाना चाहते हैं और रीजनेबल आपको मिलता है क्योंकि व्हेन यू आर अ स्टूडेंट ओवर हियर डिस्काउंटेड प्राइस गगन आपने सब बातें तो बता दी व्यूअर्स को, अब एक लास्ट छोटा शॉर्ट सी एडवाइस और आपका एक्सपीरियंस जो व्यूअर्स जानना चाहते होंगे कि थंडर बे सिटी के बारे में प्लस कॉन्फेडरेशन कॉलेज के बारे में। तो कॉन्फेड कॉलेज के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, वेरी नाइस, पढ़ने वाला माहौल, गुड कैफेटेरिया, टिम हॉर्टन्स, एवरीथिंग इज वेरी नाइस और फैकल्टी बहुत अच्छी है, यहाँ से अच्छी प्लेसमेंट भी होती है। और मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे जो भी 6 महीने का रहा है इट हैज बीन अमेजिंग, आई हैव मेड गुड फ्रेंड्स ओवर हियर। उसके बाद अगर इफ आई टॉक अबाउट थंडर बे, इट्स रियली ब्यूटीफुल। जो लोग नेचर के क्लोज हैं दे विल लव दिस प्लेस और मैं उनमें से ही एक हूँ, तो मुझे आई हैव ऑलवेज लव दिस प्लेस। घूमने वाली बहुत जगहें हैं जो कि नेचुरल सीनरी वाली हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं इकोनॉमिकली बात करूँ तो यहाँ पे जो आप सेविंग्स कर सकते हो आई डोंट थिंक वो आप कैनेडा के किसी पार्ट में भी कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ एज अ स्टूडेंट आई थी, मुझे आते एक हफ्ते में आई गॉट अ जॉब, अ पार्ट टाइम जॉब और मैं वेंडिंग में काम करती हूँ और मुझे आते ही जॉब मिल गई थी तो मेरे एक्सपेंसेस वो सॉर्ट होने शुरू हो गए थे खुद से खुद, क्योंकि मुझे 1-2 महीने वेट नहीं करना पड़ा जॉब के लिए। ऑब्वियसली आपकी जीएसटी भी सेव हुई होगी। मेरी जीएसटी जो भी आती है वो आई पुट दैट इन माई सेविंग्स अकाउंट और जो मेरा सारा खर्चा, इवन रेंट्स आर वेरी रीजनेबल हियर, इतना ज्यादा रेंट नहीं है एंड ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं है, मुझे अभी तक गाड़ी नहीं लेनी पड़ी क्योंकि सब चीजें इतनी नजदीक है, लाइक मेरे घर से मेरा काम का इट्स जस्ट 10 मिनट्स एंड कॉलेज इट्स जस्ट 15 मिनट्स, तो बहुत कन्वीनियंट है, आप बस में आराम से ट्रेवल कर सकते हो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता है। व्हेन यू आर अ स्टूडेंट आप अपना आई कार्ड दिखाओ एंड यू कैन ट्रेवल एनीवेयर इन द बस। इन सब चीजों की वजह से मेरी सेविंग्स बहुत अच्छी गई है। वुड लाइक टू टेल यू 6 महीने में मैंने इतनी सेविंग्स कर ली थी कि मैं एक हफ्ता टोरंटो घूम भी आई। वाओ या सो या लाइक मेरे फ्रेंड्स इतने हैरान थे कि अभी 6 महीने आए हुए इसको और ये फ्लाइट करके यहाँ पे आ गई है, खर्चा कर रही है अपना। अच्छा इससे पता चलता सेविंग्स कितनी कर सकता है इंटरनेशनल। थैंक यू सो मच गगन इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। होपफुली जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स होंगे, रेजिडेंट्स भी होंगे जो थंडर बे आना चाहते हैं या कॉन्फर्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं, जानना चाहते थे कि कैसा कॉलेज है, क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है, एज अ स्टूडेंट जो आपका एक्सपीरियंस रहा होपफुली उनके लिए बहुत यूजफुल होगा। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपके लिए अगर ये यूजफुल रही, आपने कुछ भी अच्छा यहाँ से गेन करा है तो मेक श्योर के आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आपने क्या नया सीखा इस वीडियो से और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऐसी ही और एक्सपीरियंस वाली वीडियोस हम आगे भी लेके आते रहेंगे आप सब लोगों के। अगर आपके एज अ स्टूडेंट के रिगार्डिंग या एज अ परमानेंट रेजिडेंट भी आप थंडर बे में आना चाहते हो उसके रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं या फिर हमारे इंस्टा पे भी हमें डीएम कर सकते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो मेक श्योर के आप हमें डीएम जरूर करें और अपने डाउट्स क्लियर करें। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सब्सक्राइब द चैनल गाइस। थैंक यू।